हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में फिजिकल वर्ल्ड की बात की थी, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। आज थोड़ी और बात कर लेते हैं दो छोटे छोटे टर्म्स के बारे में, फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर सकते हैं। क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है बच्चों, 11th क्लास में तो आपको फिजिक्स में पढ़ना है, बस फिजिकल वर्ल्ड ही पढ़ना है। दो छोटे छोटे टॉपिक्स है, पहला है यूनिफिकेशन एंड द सेकेंड वन इज रिडक्शन। अब यूनिफिकेशन और रिडक्शन क्या है? देखो बच्चों, यूनिफिकेशन मतलब यूनिफाइंग द लॉज ऑफ फिजिक्स, मतलब एक लॉ से हम लोग क्या और भी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक टर्म से अंदर यूनिफिकेशन आप लोग फॉर इंस्टेंस ले सकते हो न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ से हम लोग बेसिक चीजें बता सकते हैं, साथ ही साथ न्यूटन्स लॉ से हम ये भी बता सकते हैं कि प्लेनेटरी मोशन कैसे हो रहा है। तो देखो बच्चों, एक लॉ से दो तीन चीजें एक्सप्लेन हो रही हैं। तो यूनिफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, इसमें हम कंसिडर करते हैं कि एक लॉ से और भी चीजें एक्सप्लेन हो सके। इट कम्स अंडर यूनिफिकेशन। एंड व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन आप लोग जनरल वर्ड पे अगर जाओ कि वर्ड रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना, कम करना। तो रिडक्शन कम्स अंडर द स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक थिंग्स इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोप। रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमको नहीं पता थी और फिजिक्स ने इनेबल किया हमको कि हम वो चीजें जान सके। तो रिडक्शन इस चीज पे फोकस करता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो रिडक्शन और यूनिफिकेशन ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इन फिजिकल वर्ल्ड व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 11th एज वेल एज इन 12th। साथ ही साथ दो छोटे छोटे चीज और हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको एन एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप क्या है, एक्साइटमेंट क्या क्या है फिजिक्स की, स्कोप क्या है बच्चों हमारा? देखो फिजिक्स बहुत ही ब्रॉड है, फिजिक्स को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिजिक्स ने हमको बहुत आसानी कर दी है काफी चीजों को समझने में। जैसे हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें कर सकते हैं अंडर दिस क्राइटेरिया। इसको देखो बच्चों, हम लोग न्यूक्लियर डिस्टेंसेस से एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, लाइट ईयर, पार्सेक तक की चीजें हम लोगों को पता है जो हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हमको छोटे से छोटा मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेकर के हम मास ऑफ साइज ऑफ यूनिवर्स तक की बातें करते हैं। 10^-31 kg से लेकर 10^55 kg तक की बातें होती हैं। फिजिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, वराइटीज की बहुत ज्यादा है। एक्साइटमेंट में कि फिजिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है। आप देखो जनरल लाइफ में फिजिक्स बहुत सारे एस्पेक्ट्स में यूज हो रहा है, आपके डे लाइफ में यूज हो रहा है। आप मोबाइल फोन चला रहे हो, आप पेजर चला रहे हो, आप फैक्स चला रहे हो, आप सिस्टम चला रहे हो, सब में फिजिक्स का योगदान है। साथ ही साथ अदर ब्रांच ऑफ साइंस में भी फिजिक्स का बहुत योगदान है। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मेडिकल फील्ड में फिजिक्स ने बहुत हेल्प की है। आपका एक्सरे से लेकर के बहुत सारी मशीनें हैं जिनमें फिजिक्स के एप्लीकेशन है। एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स की? ये ना सिर्फ हमारी लाइफ को आसान बनाया, साथ ही साथ ये अदर साइंसेस में भी बहुत ब्रॉडली यूज होता है। और इसको स्कोप की बात करें तो हमको छोटी से छोटी, मतलब सूरी से लेकर के हाथी वाली बात, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेकर के साइज ऑफ यूनिवर्स तक की बात करते हैं, न्यूक्लियर डिस्टेंसेस से लेकर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस तक की बात करते हैं। तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट फिजिक्स की यही हमको बताती है। ये दो चीजें यूनिफिकेशन और रिडक्शन लॉस के टर्म्स में थी, और स्कोप एंड एक्साइटमेंट अबाउट फिजिक्स। और फिजिक्स आपको पता है हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, हमारी जिंदगी को कंफर्टेबल बना रहा है। फिजिकल वर्ल्ड ये तो हमको बताता ही है कि हमको 11th और 12th में क्या पढ़ना है, साथ ही साथ हमको ये भी इनेबल करता है कि फिजिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट यूनिट मेजरमेंट एंड। Yes.